धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में व्यवसायियों को धमकी, फायरिंग और बमबाजी मामले में गैंगस्टर प्रिंस खान का नेटवर्क ध्वस्त। प्रिंस खान के मेजर के नाम से कुख्यात अपराधी समेत एक सफेद पोश की को भी किया गया है गिरफ्तार। अपराधियों के पास से आधा दर्जन आमरस और भारी संख्या में कारतूस बम के साथ 50,000 नकदी भी बरामद किया गया है। पूरे मामले में 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नसीम अंसारी उर्फ रजी अहमद खुद को मेजर के नाम पर व्यवसायियों को धमकी देने का काम करता था, जो कि पूर्व में जेल जा चुका है। 8 वर्ष जेल में रहने के बाद पैरोल पर हुआ रिहाई के बाद नाम बदलकर पश्चिम बंगाल में ठिकाना बनाकर लोगों को देता था धमकी। हालांकि पूर्व में भी मेजर नाम एक शख्स को पुलिस ने जेल भेजा है। व्यापारियों का फोन नंबर इकट्ठा करने में शामिल शख्स भी हुआ है गिरफ्तार। कुछ छद्म सफेद पोश फर्जी पत्रकार भी है जांच के दायरे में। मेजर लगातार प्रिंस के संपर्क में था। पकड़े गए नसीम अंसारी, सद्दाम अंसारी, राजू अंसारी नंबर इकट्ठा करना और विकास सिंह आमरस सप्लायर का काम करता था, जो कि धनबाद का ही रहने वाला है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने दी जानकारी। सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी और कई थानों के थानेदार रहे मौजूद। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो धनबाद के व्यवसायियों को मेजर के नाम से व्हाट्सएप मैसेजेज आ रहे थे और कॉल आ रहे थे, उसमें मेजर के नाम से धमकी भी दी जा रही थी और कुछ व्यवसायियों के यहाँ गोली भी चली और बम भी चले थे, जैसा आप लोगों ने पूर्व में भी रिपोर्ट किया है। सब लोगों ने मिलकर के इसमें जब फर्दर अनुसंधान किया, तब हम लोगों को पता चला कि नहीं, एक बंदा जो है वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है और वहाँ से सारी कार्रवाई की जा रही है। और फर्दर अनुसंधान में ये भी पता चला कि उसने अपना छद्म नाम बना रखा है और एक फर्जी नाम से वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है। तो इसी अनुसंधान के क्रम में फिर एक और इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इसके हथियार का जो मेन सप्लायर था, जहाँ से हथियार आता था इन घटनाओं के लिए, उस वहाँ तक भी हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। लकली इन दोनों व्यक्ति जो शामिल थे, जो मेजर के छद्म नाम से काम कर रहा था और दूसरा जो हथियार का मुख्य सप्लायर था, वहाँ तक हम लोग अनुसंधान के क्रम में पहुँचे और दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जो अभी क्योंकि इनके अन्य साथी भी पकड़े गए हैं साथ में, अन्य 3 जो इनके साथ में जो काम करते थे वो भी पकड़े गए हैं। इनके मोबाइल से भी पता चला कि मेजर जो नसीम अंसारी है जो पकड़ा गया है, नसीम अंसारी ओरिजिनल नाम नसीम अंसारी है। ये नसीम अंसारी पूर्व का अभियुक्त रहा है। ये 2008 में ही ये एक हत्या के केस में जेल गया था, जिसको सजा हुई थी। 8 साल के बाद ये पेरोल पे निकला, फिर भाग गया फिर ये फिरारी था आज के दिनों में। तो एक हमारा जो पूर्व का फिरारी था वो भी पकड़ा गया और खासकर वो मेजर के नाम से ही काम कर रहा था और ये लगातार प्रिंस खान के संपर्क में था। लगातार हर दिन से इसका जो फ़ोन कॉल है ये उससे इस संपर्क में था, वीडियो कॉल से भी बात होती थी। और ये सारा जितना भी घटनाएँ यहाँ कारित हुई हैं, कई में खुद शामिल रहा है। अभी जब हम लोगों ने सारे इसके अपराधकर्मियों को पकड़ लिया और जब इसके पास आदमी नहीं था तो ये खुद शामिल होकर के काम करता था उसमें, क्योंकि इसके जो ड्राफ्ट्स वगैरह मिले हैं, जब ये किसी को अगर धमकी दे रहा है तो उसका जो ड्राफ्ट बनाता था वो इसी ड्राफ्ट यही तैयार करता था। लेकिन ये मेजर, क्योंकि इसके पूर्व में भी हम लोगों ने एक को पकड़ा था तो मेजर वो भी सो कॉल्ड मेजर था, तो ये दूसरा मेजर पकड़ा गया है। तो इसीलिए इसमें हम लोगों को ये भी पता चला जो व्यापारियों का जो फ़ोन नंबर इकट्ठा करता था, एक बंदा वो भी पकड़ा गया है जो व्यापारियों का फ़ोन नंबर इकट्ठा करके इस तक पहुँचाता था, ये उसका एक ड्राफ्ट बना करके वापस वहाँ प्रिंस तक भेजता था और फिर वहाँ से वो मैसेज जो है व्यापारियों तक पहुँचती थी। तो ये टोटल रूट था, तो जिसमें रूट्स के जो कुछ लोग जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। टोटल जो आप वेपन देखेंगे तो 6 अच्छे हथियार हम लोग बरामद हुए हैं, 5 ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं इसमें और बहुत ही अच्छा पिस्टल है, मतलब इसमें करीब 56 गोलियां बरामद की गई हैं।
एक मॉडम बरामद किया गया है, जिस मॉडम के क्योंकि सारा काम ये इंटरनेट के थ्रू कर देते हैं, तो वो मॉडम बरामद किया गया है, मोबाइल्स बरामद किए हैं, और 50,000 रुपये जो इन लोगों ने अभी कुछ किसी व्यापारी से किया था, तो वो 50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। बाकी इनका जो नेटवर्क के अन्य छोटे छोटे लोग थे, वो भी लगातार हम लोगों के अनुसंधान में हम लोगों ने उनको रखा है, और कुछ वाइट कॉलर लोगों से भी इनको सहायता मिल रही थी, जो खासकर कुछ नंबर्स हैं, या कुछ ऐसे लोगों से भी इनको सहायता मिल रही थी जो सो कॉल्ड अपने आप को फर्जी पत्रकार बता करके चीज़ों को वायरल करने का प्रयास करते हैं, तो वैसे लोगों से भी, वो सभी लोग का नाम इन लोगों ने बताया है। हम लोग सबके विरुद्ध अनुसंधान कर रहे हैं, और जिनके विरुद्ध भी जो एविडेंस आएगा उसके अनुसार हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जो टोटल अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं, वो 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। नसीम अंसारी, ये अब वर्तमान में नया मोहल्ला आसनसोल पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, एक्चुअली में ये रहने वाला छाताबाद कतरास का है। वर्तमान पता है इसका रेल पार नया मोहल्ला आसनसोल। दूसरा सद्दाम अंसारी है, जो इसी का इसका रिलेटिव है, ये इसके साथ सारा इसका सारा काम देखता था। ये तो मुख्य बंदा नसीम था, इसके साथ सद्दाम काम करता था ये, लेकिन ये गिरिडीह बिरनी गिरिडीह का रहने वाला है। तीसरा है राजू अंसारी, राजू सारा फ़ोन नंबर्स वगैरह ये चारों तरफ से फ़ोन नंबर्स लाता था, नसीम को देता था। राजू का जोगता का रहने वाला है। और चौथा विकास सिंह है, जो सारे आर्म्स का सप्लायर था, सारा आर्म्स को लाना बाहर से, मुंगेर से, या जो भी जुगाड़ कर अलग अलग जगहों से जुगाड़ करना, जुगाड़ करके रखना, नसीम तक उस आर्म्स को पहुंचाना, नसीम अपने बंदों से या विकास कभी कभी अपने किसी बंदे से उस आर्म्स को नसीम तक पहुंचाता था। टोटल 6 आर्म्स इसमें बरामद हुए हैं। इसमें 5 ऑटोमेटिक पिस्टल है, एक कट्टा है हमारा, 56 गोलियां हैं टोटल। इन लोगों के पास जो बम फेंकते हैं, जो वो बम भी बरामद हुआ है, 2 बम बरामद हुआ है, 3 मोबाइल है, जियो कंपनी का राउटर है, 50,000 रुपये नगद है, और एक काले रंग की मोटरसाइकिल जो मुख्यतः जो क्राइम्स में यूज़ किए गए हैं, कई क्राइम्स में यूज़ किए गए, हम लोग उसको मिलान कर रहे हैं, एक काले रंग का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। नसीम अंसारी ने अपना नाम जो चेंज कर लिया था, तो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी चालक लाइसेंस, ये सब कुछ उसने बना लिया था अपने नए नाम से, तो वो सारा कुछ उसका फर्जी सारे कार्ड्स बरामद किए गए। लगातार प्रिंस से कॉन्टैक्ट, हम तो बता ही रहे, इनका हर दिन जो जो डिटेल्स है वो प्रिंस से लगातार ये लोग कॉन्टैक्ट में थे, और फिर यही लोग प्रिंस को बताते थे कि सर ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, टारगेट क्योंकि जो भी कहिए, जो सिचुएशंस पिछले कुछ दिनों बने हैं उसमें नाम प्रिंस का ही इस हिसाब से मीडिया में या पेपर्स में ऐसा आया है कि लोग उसके नाम से ही सो कॉल गैंग चलता, जबकि वो है नहीं है। तो उसको इतना सपोर्ट मिल गया सो कॉल्ड कई कई कॉर्नर से कि उसका नाम हो गया, जबकि एक्चुअल में घटना ये लोग कर रहे हैं। देखिए लगातार हम लोग ऐसे किसी भी, हम लोग शुरू में भी हम लोगों ने कहा था कि धनबाद पुलिस ने ये प्रण लिया है कि जो भी धनबाद के लोगों को धमकी देने का प्रयास करेगा या उनके साथ कुछ गलत करने का प्रयास करेगा, वो सभी